ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल आशुतोष महाराज की जय। बोल नंदी महाराज की जय। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। बोल भक्तवत्सला पार्वती माता की जय। कार्तिकेय महाराज की जय। गणपति महाराज की जय। नंदी महाराज की जय। भृंगी महाराज की जय। श्रृंगी महाराज की जय। सभी शिव परिवार की जय। सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है इस शिव पुराण के समागम में, शिव पुराण के सत्संग में, प्रवचन में, चिंतन में, मनन में। आज हम शिव पुराण का रुद्र संहिता पाठ कर रहे हैं और रुद्र संहिता में हम अध्याय 5वां करेंगे। अध्याय 5वां नारद जी का शिव तीर्थ में भ्रमण, शिव गणों को शापोद्वार की बात बताना तथा ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी से शिव तत्व के विषय में प्रश्न करना। बोल शंकर महाराज की जय। सूत जी उवाच। महर्षियों, भगवान श्री हरि के अंतर्ध्यान हो जाने पर मुनि श्रेष्ठ नारद शिवलिंगों का भक्ति पूर्वक दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। ब्राह्मणों भूमंडल पर घूम फिर कर उन्होंने भोग और मोक्ष देने वाले बहुत से शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। दिव्यदर्शी नारद जी भूतल के तीर्थ में विचर रहे हैं और इस समय उनका चित्त शुद्ध है। यह जानकर वे दोनों शिवगण उनके पास गए और उनके दिए हुए शाप से उद्धार की इच्छा रखकर वहां गए थे। उन्होंने आदर पूर्वक मुनि के दोनों पैर पकड़ लिए और मस्तक झुकाकर भली भांति प्रणाम करके शीघ्र ही उन्होंने कहा। शिवगण बोले, ब्राह्मण, हम दोनों शिव के गण हैं। मुने, हमने ही आपका अपराध किया है। राजकुमारी श्रीमती के स्वयंवर में आपका चित्त मोह माया से प्रेरित हो रहा था। उस समय परमेश्वर की प्रेरणा से आपने हम दोनों को शाप दे दिया। वहां कुसमय जानकर हमने चुप रहना ही अपने जीवन का उपाय समझा। इसमें किसी का दोष नहीं है, हमने अपने कर्म का ही फल प्राप्त किया है। प्रभो, अब आप प्रसन्न होइए और हम दोनों पर अनुग्रह कीजिए। नारद जी उवाच। आप दोनों महादेव जी के गण हैं और सत्पुरुषों के लिए परम सम्माननीय हैं, अतः मेरे मोह रहित एवं सुखदायक यथार्थ वचन को सुनिए। पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, बिगड़ गई थी। अब मैं सर्वथा मोह के वशीभूत हो गया था इसलिए आप दोनों को मैंने श्राप दे दिया। शिव गणों, मैंने जो कुछ कहा है वैसा ही होगा। तथापि मेरी बात सुनिए। मैं आपके लिए शापोद्धार की बात बता रहा हूँ। आप लोग आज मेरे अपराध को क्षमा कर दें। मुनिवर, आज मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। मुनिवर, विश्रवा के वीर्य से जन्म ग्रहण करके आप संपूर्ण दिशाओं में प्रसिद्ध कुंभकर्ण और रावण राक्षस राज का पद प्राप्त करोगे और बलवान वैभव से युक्त
तथा परम प्रतापी होंगे। समस्त ब्रह्मांड के राजा होकर शिव भक्त एवं जितेंद्रिय होंगे और शिव के ही दूसरे स्वरूप श्री विष्णु के हाथों मृत्यु पाकर अपने पद पर पुनः प्रतिष्ठित हो जाएंगे। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, महात्मा नारद की बात यह बात सुनकर वे दोनों शिवगण प्रसन्न हो गए और सानंद अपने स्थान को लौट गए। श्री नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो अनन्य भाव से भगवान शिव का भजन कीर्तन, शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए बारंबार भूमंडल पर विचरने लगे। अंत में वे सबके ऊपर विराजमान शिव प्रिया काशीपुरी में गए, जो शिव स्वरूपिणी एवं शिव को सुख देने वाली है। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उन्होंने भक्ति भाव से भगवान काशीनाथ का दर्शन किया और परम प्रेम एवं परमानंद से युक्त हो उनकी पूजा की। काशी का सानंद सेवन करके वे मुनि श्रेष्ठ कृतार्थता का अनुभव करने लगे और प्रेम भाव से विहल हो उनका नमन वर्णन स्मरण करते हुए ब्रह्मलोक हो गए। निरंतर शिव का स्मरण करने से उनकी बुद्धि शुद्ध हो गई। वहां पहुंचकर शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ने ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और नाना प्रकार के स्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति करके उनसे शिव तत्व के विषय में पूछा। उस समय नारद जी का हृदय भगवान शंकर के प्रति भक्ति भावना से परिपूर्ण था। नारद जी बोले, ब्राह्मण, आप पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप को जानने वाले पितामह जगत प्रभु, आपकी कृपा प्रसाद से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म्य को का पूर्णतया ज्ञान प्राप्त किया। भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, अत्यंत दुस्तर तपो मार्ग, दान मार्ग तथा तीर्थ मार्ग का भी वर्णन सुना है, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं प्राप्त हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को भी नहीं जानता। अतः प्रभु, आप क्रमशः इन विषयों को तथा भगवान शिव के विविध चरित्रों को तथा उनके स्वरूप तत्व, प्रकाट्य, विवाह, गृहस्थी धर्म, यह सब मुझे बताइए। निष्पाप पितामह सब बातें तथा और जो भी आवश्यक बातें हो उन सब का आप वर्णन कीजिए। प्रजानाथ, शिव और शिवा के आविर्भाव एवं विवाह का प्रसंग विशेष रूप से कहिए तथा कार्तिकेय के जन्म की कथा भी सुनाइए। प्रभो, पहले बहुत लोगों से मैंने ये बात सुनी है किंतु तृप्त नहीं हो सका हूँ, इसलिए आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा वहाँ इस प्रकार बोले। इति श्री रेवाखंडे रुद्र संहिता नाम पंचमो अध्याय संपूर्ण। बोल शंकर भगवान की जय। अथ श्री षष्ठम अध्याय। महाप्रलय काल में केवल सद्ब्रह्म की सत्ता का प्रतिपादन, उस निर्गुण निराकार ब्रह्म से ईश्वर मूर्ति सदाशिव का प्रकाट्य, सदाशिव के द्वारा स्वरूप भूता शक्ति अंबिका का प्रकटीकरण, उन दोनों के द्वारा उत्तम क्षेत्र काशी या आनंदवन का प्रादुर्भाव, शिव के वामांग से परम पुरुष विष्णु का आविर्भाव तथा उनके सकाश से प्राकृत तत्वों की क्रमशः उत्पत्ति का वर्णन। ब्रह्मा जी उवाच। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्राह्मण देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में ही लगे रहते हो। तुम लोगों के हित की कामना से यह बहुत उत्तम बात पूछी है, जिसके सुनने से संपूर्ण लोगों के समस्त पापों का अक्षय हो जाता है। उस अनामय शिव तत्व का मैं तुमसे वर्णन करता हूँ। शिव तत्व का स्वरूप बड़ा ही उत्कृष्ट है और अद्भुत है। जिस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, न सूर्य दिखाई देते थे न चंद्रमा, अन्यान्य ग्रहों का नक्षत्रों का भी पता न था, न दिन होता था न रात, अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल की सत्ता भी नहीं थी, प्रधान तत्व अव्याकृत प्रकृति से रहित सूना आकाश मात्र शेष था, दूसरे किसी तेज की उपलब्धि नहीं होती थी, अदृश्य आदि का भी अस्तित्व नहीं था,
शब्द और स्पर्श भी साथ छोड़ चुके थे। गंध और रूप की भी अभिव्यक्ति नहीं होती थी। रस का भी अभाव हो गया था। दिशाओं का भी भान नहीं होता था। इस प्रकार सब और निरंतर सूची भेद्य घोर अंधकार फैल गया था। उसी समय सद्ब्रह्म इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है एकमात्र वही शेष था। जब यह वह ऐसा जो इत्यादि रूप से निर्दिष्ट होने वाला भाव भावात्मक जगत नहीं था, उस समय एकमात्र वह ही सत्य ही शेष था जिसे योगी जन अपने हृदय आकाश के भीतर निरंतर देखते हैं। वह सत्तत्व मन का विषय नहीं है, वाणी भी वहां तक नहीं पहुंच सकती। वह नाम तथा रूप रंग से भी शून्य है। वह न स्थूल है, न कृष, न ह्रस्व है, न दीर्घ, न लघु है, न गुरु। उसमें न कभी वृद्धि होती है, न ह्रास। श्रुति भी उसके विषय में चकित भाव से है इतना ही कहती है, अर्थात उसकी सत्ता मात्र का ही निरूपण कर पाती है। उसका कोई विशेष विवरण देने में असमर्थ हो जाती है। वह ज्ञान स्वरूप अनंत परमानंदमय परम ज्योति स्वरूप प्रमय आधार रहित निर्विकार निराकार निर्गुण योगी गम्य सर्वव्यापी निर्विकल्प सबका एकमात्र कारण निरारंभ माया शून्य उपद्रव रहित अद्वितीय अनादि अनंत संकोच विकास से शून्य तथा चिन्मय है। जिस परम ब्रह्म के विज्ञान में परम ब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान से पूर्ण उक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर द्वितीय की इच्छा प्रकट की। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न सर्व ज्ञानमयी शुभ स्वरूपा सर्वव्यापनी सर्वस्वरूपा सर्वदर्शिनी सर्वकारिणी सबकी एकमात्र वंदिया सर्वाद्या सब कुछ देने वाली संपूर्ण संस्कृतियों का केंद्र थी। उस शुद्ध रूपिणी ईश्वर मूर्ति की कल्पना करके वह अद्वितीय अनादि अनंत सर्व प्रकाशक चिन्मय सर्वव्यापी और परम अविनाशी पर ब्रह्म अंतर्हित हो गया। जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है उसी की मूर्ति चिन्मय आकार भगवान सदाशिव है। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। ईश्वर की जो व्याख्या बताई गई है वो ईश्वर की व्याख्या भी यही है। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की जो उनके अपने श्री अंगों से कभी अलग नहीं होने वाली थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति सर्वेश्वरी त्रिदेव जननी नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के आठ भुजाएं हैं। उस शुभलक्षणा देवी के मुख की शोभा विचित्र है। वह अकेली ही अपने मुख मंडल में सदा एक सहस्र चंद्रमाओं की कांति धारण करती है। नाना प्रकार के आभूषण उसके अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है। वह अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। उसके खुले हुए नेत्र खिले हुए कमल के समान जान पड़ते हैं। वह अचिंत्य तेज से जगमगाती है। वह सबकी योनी है और सदा उद्यमशील रहती है। एकाकिनी होने पर भी वह माया संयोग वशात अनेक हो जाती है। वे जो सदाशिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। वे अपने मस्तक पर आकाश गंगा को धारण करते हैं और उनके भाल देश में चंद्रमा शोभा पाते हैं। उनके पंच मुख हैं और प्रत्येक मुख में तीन तीन नेत्र हैं। उनका चित्त
सदा प्रसन्न रहता है। वे 10 भुजाओं वाले से युक्त और त्रिशूलधारी हैं। उनके श्री अंगों की प्रभा कर्पूर के समान श्वेत गोर है। वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं। उन काला रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के नाथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया। उस उत्तम क्षेत्र को ही काशी कहते हैं। वह परम निर्वाण या मोक्ष का स्थान है, जो सबके ऊपर विराजमान है। वह प्रिया प्रियतम रूप शक्ति और शिव है। उसी को हम शिव शक्ति भी बोलते हैं। बोल श्री शक्ति धाम महाराज की जय। जो परमानंद स्वरूप हैं, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। काशीपुरी परमानंद रूपिणी है। मुने शिव और शिवा ने प्रलय काल में भी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से मुक्त नहीं किया, इसलिए विद्वान पुरुष उसे अविमुक्त क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। वह आनंद का हेतु है, इसलिए पिनाकधारी शिव ने पहले उसका नाम आनंदवन रखा। काशी का सबसे पहला नाम जो था, जो अर्वाचीन और प्राचीन नाम जो कहा गया, उसे आनंदवन भगवान शिव ने उसका नाम रखा। इसके बाद उसे अविमुक्त के नाम से भी जाना गया। देवर्षि एक समय उस आनंदवन में रमण करते हुए शिवा और शिव के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की भी सृष्टि करनी चाहिए, जिस पर यह सृष्टि संचालन का महान भार रखकर हम दोनों केवल काशी में रहकर इच्छानुसार विचरें और निर्वाण धारण करें। वही पुरुष हमारे अनुग्रह से सदा सबकी सृष्टि का पालन करे, सृष्टि करे, पालन करे और वही अंत में सबका संहार भी करे। यह चित्त में एक चित्त एक समुद्र के समान है। चित्र को जो चित्त हमारा बताया गया है वो एक समुद्र के समान व्यापक है। इसमें चिंता की उत्तालता उठी तरंगे हैं। इसमें सत्व गुण रूपी रत्न है, तमो गुण रूपी ग्रह है और रजोगुण रूपी मूंगे सुशोभित हैं। इस विशाल चित्त समुद्र को संकुचित करके हम दोनों उस प्रसाद से आनंद कानन काशी में सुखपूर्वक निवास कर सकेंगे, ऐसा भगवान शिव और माँ पार्वती ने विचार किया। यह आनंदवन वह स्थान है जहाँ हमारी मनोवृत्ति सब ओर से सिमट कर इसी में लगी हुई है, तथा जिसके बाहर का चित्त चिंता से आतुर प्रतीत होता है। ऐसा निश्चय करके शक्ति सहित सर्वव्यापी परमेश्वर शिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक पुरुष प्रकट हुआ और जो तीनों लोकों में सबसे अधिक सुंदर था। वह शांत था, सत्व गुण प्रभावी था तथा गंभीरता उसमें आगाह थी, अथाह सागर था। मुने क्षमा नामक गुण से युक्त उस पुरुष के लिए ढूंढने पर भी कोई उपमा नहीं मिलती थी। उसकी कांति इंद्र नील मणि के समान थी। उसके अंग से दिव्य शोभा छिटक रही थी और नेत्र प्रफुल्ल कमल के समान शोभा पा रहे थे। श्री अंगों पर सुवर्ण की सी कांति वाले 2 सुंदर रेशमी पीतांबर वस्त्र शोभा दे रहे थे। किसी से भी पराजित न होने वाला वह वीर पुरुष अपने प्रचंड भुजदंडों से सुशोभित हो रहा था। तदंतर उस पुरुष ने परमेश्वर सदाशिव को प्रणाम किया और कहा, स्वामी मेरे नाम निश्चित कीजिए और काम बताइए। उस वीर पुरुष विशेष की बात सुनकर भगवान शंकर हंसते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी में उससे बोले। शिव ने कहा, वत्स, आपका देह, आपका व्यक्तित्व इतना व्यापक है और इस व्यापक व्यक्तित्व होने के कारण आपका नाम विष्णु है विख्यात हुआ। इसके सिवा और भी बहुत से नाम होंगे जो भक्तों को सुख देने वाले होंगे। तुम सुस्थिर उत्तम तप करो, क्योंकि वही समस्त कार्यों का साधन है। ऐसा कहकर भगवान शिव ने श्वास मार्ग से श्री विष्णु को वेदों का ज्ञान दिया। तदंतर अपनी महिमा से कभी चित्त न होने वाले श्री हरि भगवान शिव को प्रणाम करके बड़ी भारी तपस्या करने लगे और शक्ति सहित परमेश्वर शिव भी पार्षद गणों के साथ वहां से अदृश्य हो गए। भगवान विष्णु ने सुदीर्घ काल तक कठोर तपस्या की। तपस्या के परिश्रम से युक्त
भगवान शिव के अंगों से नाना प्रकार की धाराएं प्रवाहित होने लगी, जल धाराएं निकलने लगी। सब भगवान शिव की माया से ही संभव हुआ। महामुनि, उस जल से सारा सूना आकाश व्याप्त हो गया। वह ब्रह्म रूपी जल अपने स्पर्श मात्र से सभी पापों को भस्म करने वाला सिद्ध हुआ। उस समय थके हुए परम पुरुष विष्णु ने उस जल में शयन किया। वे दीर्घ काल तक बड़ी प्रसन्नता के साथ उसमें रहे। नार अथवा जल में शयन करने के कारण उनका दूसरा नाम नारायण भी कहा जाता है। उस समय उन परम पुरुष नारायण के सिवा कोई दूसरी प्राकृत वस्तु नहीं थी। उसके बाद उन महात्मा नारायण देव से यथा समय सभी तत्व प्रकट हुए। महामते विद्वन, मैं उन तत्वों की उत्पत्ति का प्रकार बता रहा हूँ, सुनो। प्रकृति से महत तत्व प्रकट हुआ, महत तत्व से तीनों गुण के भेद से ही त्रिविध अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार से पंच तन मात्र हुए, पंच तन मात्र से पांच भूत हुए, और समय ज्ञानेन्द्रियों और कर्मेंद्रियों का भी प्रादुर्भाव हुआ। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार मैंने तुम्हें तत्वों की संख्या बताई है। इनमें से पुरुष को छोड़कर शेष सारे 24 तत्व जो हैं, वे सब प्रकृति से प्रकट हुए हैं। उस समय एकाकार हुए 24 तत्वों को ग्रहण करके वे परम पुरुष नारायण भगवान शिव की इच्छा से ब्रह्म रूप जल में सो गए। इति श्री रेवाखंडे रुद्र संहिता नाम षष्ठम अध्याय संपूर्ण। बोल शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय।